वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा संख्याओं पर आधारित टॉपिक चल रहा है, संख्याओं पर आधारित। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज। आपको बड़े ध्यान से देखना है। सबसे पहले चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं, चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं ए बी सी और डी है। इनमें ए और सी इज इक्वल टू 124 है। ए और सी का मान 124 है तो बी और डी का मान, बी गुणा डी कह लो, बी का मान क्या है, डी का क्या है, किसी का मान पूछ रहे। चार क्रमागत प्राकृत संख्याएं, एक तो आप इसको ऑप्शन से निकाल सकते हो। मैंने बताया था कि चार ऑप्शन देंगे तो बी का मान अकेले बी का पूछे या डी का पूछे, चूंकि ये प्राकृत और क्रमागत हैं तो हम आगे पीछे लेकर के चारों को जोड़ के देखेंगे, या ए और सी पहली और तीसरी को जोड़ के देखेंगे। और इस क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिक ढंग से इस तरह कर सकते हो। चार है, एक एक्स, कल मैंने बताया था, कल जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जब प्राकृत संख्या यदि आपको माननी पड़े, एक दो तीन चार प्राकृत संख्या ये होती है, तो पहली संख्या जब x मान ली है तो दूसरी x प्लस एक, क्योंकि इसमें एक का अंतर होता है, नेक्स्ट x प्लस दो और x प्लस तीन। टोटल चार संख्या हो गई, a b c और d। ये a हो गई, ये a हो गई, ये b हो गई, ये c और d। और कंडीशन हमें दे रखी है कि a और c का योग 124 है। a और c का योग हमें बराबर दे रखा है 124। x और x 2x जमा 2 और बराबर 124, और 2x बराबर 2 उधर जाकर माइनस के हो गए 122, और जब x की वैल्यू निकालोगे तो 61, यानी कि एक संख्या आ गई 61, दूसरी आ गई 62, तीसरी आ गई 63, चौथी आ गई 64। यदि b और d, b गुणा d पूछते हैं तो आपको b b और d को गुणा करके आंसर देना है। यदि आपको बी अकेली बी पूछी गई है और ऑप्शन में हमें दे दिया, ऑप्शन में हमें यही दे दिया 61, 63, 62 ऐसे चार ऑप्शन दे दिए, इसमें पूछा बी का मान बताओ, तो बी का मतलब दूसरी संख्या हो गई, बी का मान दूसरी संख्या हो गई। यदि इसको दूसरी मानते हो तो पहली क्या हो गई 60, तीसरी क्या हो गई 62, चौथी क्या हो गई 63। तो चारों को जोड़, यदि चारों का जोड़ या पहली और तीसरी का जोड़ 124 आना चाहिए, चूंकि ये 122 से आता है, तो ये ऑप्शन उठाएंगे, फिर ये ऑप्शन उठाएंगे, इस तरह भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्राकृत भी दे सकते हैं, सम भी दे सकते हैं, विषम भी दे सकते हैं। बासठ, जैसे अब इस क्वेश्चन में पूछा b गुणा d का मान बताओ, b आपने निकाल दी 62, d निकाल दी 64, इसका गुणा। अब मैंने गुणा बताया था आपको, 62 64 का गुणा कैसे बताया था, 4 दूनी 8, अब क्रॉस गुणा करो, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 36, 36 और 3, अब दाईं अंग को गुणा करो, 6 छक्का 36, 36 और 3 39। मैंने गुणा का जब बताया था टॉपिक तो उसमें आपको इस तरह की गुणा करने भी सिखाए थे। मैं कहूं कि दो प्राकृत संख्याओं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है, 1980 दे रखा है मान लो, तो इसमें छोटी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है या छोटी, कोई भी पूछ लेंगे आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दो प्राकृत संख्याएं हैं, एक x हो गई, एक x प्लस एक हो गई, दोनों संख्याओं का केवल गुणनफल दे रखा है, वर्ग नहीं, गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है बराबर 1980। x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, ये जो ब्रैकेट में होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं। और इसका दूसरा तरीका मैंने बताया था कि ऑप्शन देंगे, जैसे 44, 45, 42, 38 ऐसे कोई भी ऑप्शन दे देंगे। अब छोटी संख्या पूछी है तो ये ऑप्शन छोटी के हैं, बड़ी पूछता तो ऑप्शन बड़ी के होते। अब जैसे मैंने ऑप्शन 44 उठा लिया तो एक संख्या 44 हो गई, क्योंकि ये प्राकृत संख्याएं हैं और क्रमागत है, प्राकृत हमेशा क्रमागत ही पूछेंगे, तो क्रमागत है तो नेक्स्ट संख्या क्या हो गई 45। यदि इन दोनों का गुणनफल 1980 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। यदि छोटी 45 मान लोगे तो बड़ी 46 हो गई, इनका गुणा 1980 आना चाहिए, या 42 मान लोगे तो अगली 43 हो गई, इनका गुणा 19,
जिसका गुणा 1980 आएगा वही हमारा आंसर होगा। और गुणा करना मैंने आपको सिखाया था, कैसे सिखाया था कि इन दोनों को गुणा करो, पांच चौका 20 असल भाई 2 क्रॉस गुणा करो, पांच चौका क्रॉस गुणा करेंगे, पांच चौका 20 और चार चौका 16, 20 और 16 36, 36 और 2 38, 38 का 8 असल भाई 3 और बुधाईगन को गुणा करेंगे, चार चौका 16, 16 और 3 19, तो इसी से हमारा 1980 आता है, दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर राइट। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, 12 से गुणा करने को कहा गया और गलती से उसने 21 से गुणा कर दिया। जो भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ है, जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह सही उत्तर से 63 अधिक है, 63 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 12 से गुणा करने को कहा गया लेकिन गलती से 21 से गुणा कर दिया, प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक है। देखो संख्या हमने मान ली x है, गुणा करना था 12 से जबकि कर दिया उसको 21 से। अब जो मान प्राप्त हुआ है, जो ये उत्तर प्राप्त हुआ है, यह उत्तर, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या की बजाय बड़ी से प्राप्त गुणा करोगे तो इसका मान अधिक आएगा, तो यह मान 63 अधिक है और बराबर करने के लिए इधर 63 जोड़ दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। या इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूं कि अधिक मान प्राप्त होता है या फिर कम मान प्राप्त होता है, और अपॉन बड़ी जो संख्या है उसमें से आपको छोटी संख्या घटानी है, एक्स का काम खत्म, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अधिक या कम मान आ गया 63, बड़ी संख्या है 21, 21 में से 12 घटाओ, 63 और बटे 21 मार गए तो 9, तो वह संख्या 7 है। इस चूंकि हर क्वेश्चन के हम सूत्र याद नहीं रख सकते, लेकिन यदि याद रख सकते हो तो यह है सूत्र, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनके लिए यह सूत्र, यह मेथड पर्याप्त है। इससे भी वो जाएगा 21x, ये 12x उधर जाके माइनस के, 21x माइनस 12x बराबर 63, 9x बराबर 63, x बराबर 9 साथ ही 63 साथ आ जाएगी। जैसे मान लो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इसमें जैसे ये कहें कि किसी संख्या का 3/14 निकालना था, किसी संख्या का 3/14 निकालना था लेकिन गलती से क्या कर दिया कि उसका 3/4 निकाल दिया, या ये कह सकते हैं किसी संख्या को 3/14 से गुणा करने को कहा गया लेकिन गलती से 3/4 से गुणा कर दिया। अब जो उत्तर उसे प्राप्त हुआ वह सही उत्तर से, जो वास्तविक जो उत्तर है सही उत्तर से 150 अधिक था, तो बताओ वह संख्या क्या है। सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये कि संख्या का 3/14 निकालने के लिए कहा गया लेकिन गलती से 3/4 निकाल दिया, उसका जो उत्तर है सही उत्तर से 150 अधिक था, तो बताओ वह संख्या क्या है। मैंने अभी सूत्र बताया था कि कितना मान अधिक है या कितना मान कम है, या कितना मान कम है अपॉन वही बड़ी संख्या में से, मैंने अभी बताया था आपको कि उसमें से छोटी संख्या घटा दो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। अधिक मान है 150 और बड़ी संख्या मैंने बताया था कि 3/14 और 3/4 में से बड़ा मान कौन सा आएगा, यदि इसका मान अधिक आता है, इसका मान अधिक आता है तो बड़ी ये हो गई, इसका मान अधिक आता है तो बड़ी ये हो गई, या फिर मैंने अभी तरीका बताया था 0 चढ़ा के मान निकाल दो, 0 चढ़ा के जिसका मान अधिक हो बड़ी, जिसका मान छोटा हो छोटी, तो इसमें 3/4 बड़ी है और 3/14 छोटी है, एलसीएम आ गया 28, 4 सत्ता 7 21, 14 दूनी 3 दूनी 6, ये आ गया 15/28 और ऊपर हमारे पास पहले ऑलरेडी 150, नीचे है 15/28 और ये 28 चूंकि ऊपर चला जाएगा और 28 ऊपर जाएगा तो 15/25 150, वह संख्या 280 है, दैट इज आंसर। या इसको उसी पैटर्न से निकालो कि कोई संख्या x का 3/14 गुणा करने के लिए कहा लेकिन उसने 3/4 से गुणा कर दिया,
यह उत्तर 150 अधिक था तो इधर 150 लिख दो, ये दोनों मान बराबर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, एक मिनट लग सकती है, इसमें मात्र 5 सेकंड लगेगी, राइट। जैसे इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कोई संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, कोई संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन उठाएंगे और उसका 20% निकालेंगे, घटा के देखेंगे, 40 का अंतर आएगा, वही हमारा ऑप्शन होगा। या ये कहूंगी एक संख्या है, यह संख्या अपने 20% से, अपने 20% से यह संख्या x संख्या है, अपने 20% से यह 40 अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसको 40 दे दो, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, x बराबर 20/500 x बटे 5 और जमा 40, और जब बराबर का निशान दिया गया हो तो दोनों ओर एलसीएम लघुत्तम ले लो, ये बराबर का निशान कैंसिल हो जाएगा, या ये कह सकते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एलसीएम आ गया 5, 1/5 5x बराबर 5 × 5 एक्स जमा 1/5 40/200 और एक्स, ये एलसीएम खत्म हो गया क्योंकि बराबर के दोनों ओर हमने लघुत्तम ले लिया। एक्स जमा का इधर आके माइनस का, ये हो गए 4x बराबर 200 और वह संख्या 50 है क्योंकि 200 में हम 4 का भाग देंगे तो 50 है। अब इसी क्वेश्चन में यदि ऑप्शन दिए जाए हमें तो इसको डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑप्शन उठा लिया 50, संख्या है 50, 50 का जब 20% निकालोगे तो वो आएगा 10, और 50 का 20% जब 10 आया, मूल संख्या 50 है, इन दोनों में अंतर 40 का है, इसलिए ऑप्शन हमारा करेक्ट 50 है। इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादातर तो मैं यही कहूंगा आपको कि ऑप्शन की बजाय इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करो ताकि आपकी बेसिक नॉलेज बने, और बड़े जब हम चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे तो ये नॉलेज आपके बड़ी काम आएगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हर क्वेश्चन का हमारे पास उत्तर हो, तो उसमें 5-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बड़े स्तर के होते हैं और जिनमें हम छोटी छोटी चीजें रट करके या जल्दी जल्दी मेथड से निकाल के 5-7 मिनट बचाते हैं, और जब उन बड़े प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो हमारे अटेम्प्टिंग अच्छी होती है, तो हमें इस तरह से सीखना पड़ेगा। संख्या अपने 20% से 40 ये अधिक है, कम की तरफ जोड़ दिया करो, बराबर लगा दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, बराबर के दोनों लघुत्तम लेते, लघुत्तम खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक संख्या है उसके अंकों का योग 5 है, यदि उसके अंकों को बदल दिया जाए तो वह मूल जो संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, उससे 9 अधिक हो जाती है। और इस प्रकार के क्वेश्चन केवल और केवल हमें ऑप्शन से ही करने हैं, सबसे बेस्ट तरीका इनका ऑप्शन का ही होता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, कोई एक संख्या है अंकों का योग 5 है, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 4 5 9, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंकों का योग इसमें 9 हो गया, जबकि अंकों का योग आना चाहिए 5, दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल होनी चाहिए, 4 और 1 5, इन तीनों में ऑप्शन है। परंतु वो क्या कह रहा है कि जब इस संख्या के अंक बदल दिए जाते हैं, यानी 3 को आगे ले लेंगे और 2 को पीछे ले लेंगे, तो यह जो संख्या है यह मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, तो यही देखो कि वास्तव में इन दोनों के बीच 9 का ही अंतर है, तब तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत। 32 में जब 23 घटाएंगे तो 9 ही आएंगे, इसका मतलब वह संख्या 23 है, और 23 के जब हम अंक बदल देते हैं, 32 कर देते हैं, तो यह संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है, 23 और 9 32। एक इस प्रकार का क्वेश्चन है कि मैं कहूं कि दो संख्याओं का योग 184 है, इनमें एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है,
वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। देख सुनो, इसमें भी आपको ऑप्शन देंगे, 72, 75, 80, 150, 100, कोई भी चार ऑप्शन दे देंगे। तो इन प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम केवल ऑप्शन से ही जल्दी बेटर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका जो सिस्टमेटिक ढंग से जो इसका बेसिक है मैं बताता हूं। एक तो दो संख्याओं का योग 184 है, दो संख्याएं एक्स प्लस वाई बराबर 184, और एक संख्या एक्स का एक तिहाई और दूसरी संख्या का एक सातवां भाग से यह संख्या 8 अधिक है, इसको 8 दे दो, ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, यहां से दो समीकरण बन जाएंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। एक तरीका ये। दूसरा, दो संख्याओं का योग 184 है, इनमें से मैंने जो छोटी संख्या है 8 अधिक है, संख्या क्या है, संख्या कौन सी संख्या, इसमें ये पूछेंगे छोटी संख्या कौन सी है या पूछेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। मैंने 184 में से छोटी संख्या x मान ली, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 184 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक संख्या का एक तिहाई, एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के सातवें भाग से, यह 8 अधिक है, 8 अधिक है, एक तिहाई सातवें भाग से 8 अधिक है, तो इसकी तरफ आप 8 लिख दो और ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। यहां से x की वैल्यू जब भी निकालनी हो, जब भी पूरे मैथमेटिक्स में बराबर का निशान दिया गया हो, तो केवल और केवल आपको ऑप्शन का प्रयोग करना है। सबसे आसान ऑप्शन का प्रयोग ही होता है। मैंने ऑप्शन उठाया 72, x की जगह मैंने रख दिया, इस x की जगह लिख दिया मैंने, कहां लिखूं, यही नीचे लिख देता हूं, x की जगह मैंने लिख दिया ऑप्शन में 72 बटे 3 बराबर, यहां 184 माइनस 72 और अपॉन 7 और प्लस में 8, यदि दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा आंसर करेक्ट है, नहीं तो गलत है। यह आ गया 24 या 72, 184 में से 72 घटाओ, 184 में से 72 घटाएंगे, 112 बटे 7 और प्लस 8। अच्छा, यह आ गया 7 एकम 7 और 7 6 42, यानी कि इधर भी 24 है और 16 और 8 इधर भी 24 है, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए सबसे छोटी संख्या का मान 72 और दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से इसकी इक्वेशन बनाओ, बराबर का निशान आते ही ऑप्शन का प्रयोग करो, x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू रखोगे दोनों पक्ष यदि बराबर आ गए हमारा आंसर करेक्ट है, या फिर 7 या 21 लघुतम एलसीएम लो, फिर x की वैल्यू, x एक साइड संख्या एक साइड, x की x का मान निकालोगे तो वही 72 आएगा, लेकिन उससे 2 या 3 मिनट खराब होंगी, और ऑप्शन डायरेक्ट रख के देखोगे तो इससे हमारा समय बचेगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। या फिर दो समीकरण बनाओ, इक्वेशन बनाओ और x x बराबर है, x मान पुट करो, y का मान निकालो, ये ज्यादा लंबा प्रोसीजर है। ठीक है, थैंक्स। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही है। मैं आपको एक या दो क्वेश्चन देता हूं जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट्स में उसका आंसर देना है। यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, गुणा करने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 7/8 से भाग दे दिया, अब जो उत्तर प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त उत्तर है वह सही उत्तर, जो उत्तर प्राप्त है वह सही उत्तर से 15 अधिक है, तो बताओ वह नंबर क्या है, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, मैं इसके ऑप्शन भी दे दूं आपको, चलो ऑप्शन तो खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 2, 15 अधिक का संख्या पूछ सकते हैं, या उसमें पूछा गया था जो पेपर में था, एसएससी के पेपर में था, उसमें लिख रखा था कि संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग क्या है, ये पूछा था, अंकों का योग क्या है, थोड़ा सा और टिपिकल बनाया था उसको, अंकों का योग क्या है, जैसे ऑप्शन दे रखे थे 152, 156, 160, इस तरह के ऑप्शन दे रखे थे, 4, 7, जैसे इस तरह के कोई ऑप्शन दे रखे थे उसमें। एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या का, किसी संख्या का 40%
उस संख्या से 50 कम है, 50 कम है तो वह संख्या क्या है? ये दो प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं। थैंक्स।